गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने वहाँ आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में बताया था। यहाँ हम रेशनल नंबर के बारे में कुछ चीज़ें हम और आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे रेशनल नंबर कहते किसे हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? द नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हाँ यहाँ ये भी आप एक चीज़ ध्यान देनी है, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जो आपका डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर में वो जीरो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, 1/2, 2/3, 4/5, 1, 2, 3, 0 एंड सो ऑन। जीरो इज आल्सो अ रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन फोर की। क्वेश्चन फोर में आपको सॉल्व करना है, राइट डाउन अ रेशनल नंबर न्यूमरेटर -5 × -4 एंड डिनोमिनेटर 28 − 27 × 8 − 5। अब हमें सोल्यूशन देखना है इसका। न्यूमरेटर h = -5 × -4, माइनस माइनस प्लस होगा एंड 5 × 4 = 20। न्यूमरेटर = 20 एंड डिनोमिनेटर = 28 − 27 × 8 − 5। 28 से 27 माइनस करेंगे 1 आएगा एंड 8 से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा। एट लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 = 3, तो आपका न्यूमरेटर 20 है एंड डिनोमिनेटर 3 है। तो हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं 20/3। यहाँ आप सॉरी यहाँ नीचे आपका डिनोमिनेटर 5 है बट यहाँ 3 होगा, जो आपका रेशनल नंबर होगा वो 20/3 होगा। यहाँ आपका आंसर 4/1 = 1 नहीं आएगा, आपका आंसर जो आएगा इस रेशनल नंबर में 20/3 आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट आपका है -15/1 इन इंटीजर फॉर्म इच, एंड इसी तरह आपका सेकंड क्वेश्चन इसी का है 23-1 इन इंटीजर फॉर्म इच, और इन दोनों का या इंटीजर फॉर्म में लिखना है। तो हमें डिनोमिनेटर आपका 1 दिया है पहले में और सेकंड वाले में -1 दिया है, तो हमें इसे लिखना है पहले वाले में -15 एंड सेकेंड में आपका जो नीचे -1 है ये माइनस ऊपर होगा तो हो जाएगा -23। डिनोमिनेटर में 1 हाइडेड छिपा रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरह आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन 6 में क्या करना है, सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ आपको जिस भी नंबर के सामने, जैसे -3/5 है, 3/-5 है, ये आपके नेगेटिव रेशनल नंबर है। -3/-5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 एंड 3/5 बोथ आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। जीरो ना तो आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है और ना ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है। -13/-3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 13/3 एक आपका रेशनल नंबर है, मतलब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर 15/-8, ये आपका एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। लास्ट नंबर की बात करते हैं तो -15/8, ये भी आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो उम्मीद करते हैं वीडियोस पसंद आया होगा। थैंक्स वेरी मच, इस देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।